Hi guys, I'm Ashish Gupta and you're watching Editorial. So, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ MHCET Law के बारे में. Maharashtra Common Entrance Test Law के लिए होता है, जिसमें आपको 5 years का UG program या फिर 3 years का LLB program offer किया जाता है. ये test Directorate of Higher Education Maharashtra Government conduct करवाता है हर साल. और इस टेस्ट के थ्रू महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस में आपको एडमिशन ऑफर होता है. तो इस वीडियो को या इस एमएससीईटी कोर्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. हम दो वीडियोस में बात करेंगे. पहले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एमएससीईटी होता क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कब ये एग्जाम होता है और इस एग्जाम की फॉर्म फीस क्या है. और दूसरे वीडियो में आपसे बात करूंगा एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और एप्लीकेशन और काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है उसके बारे में. सो एमएससीईटी लॉ जो है वो 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स. ये इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में अवेलेबल होता है और इस टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. अब बात करते हैं एमएससीईटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और एज क्राइटेरिया की. So, अगर आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं तो आप इस एग्जाम में अपियर कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कहां से बिलोंग करते हैं इंडिया में, आप इस एग्जाम में अपियर कर सकते हैं. आप 12th में या तो अपियरिंग हो या आपने 12th पास कर लिया हो तो आप इस एग्जाम में अपियर कर सकते हैं. परसेंटेज का इसमें क्राइटेरिया है, 12th में 45% आपके होना चाहिए अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं, और 40% होना चाहिए अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं इस एग्जाम में अपियर करने के लिए. एज क्राइटेरिया थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव है इस एग्जाम में. आप 20 इयर्स के जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें, मतलब 20 इयर्स रनिंग आपका मैक्सिमम हो सकता है अगर आप इस एग्जाम में अपियर कर रहे हैं. तो ओबीसी एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए एज क्राइटेरिया में 2 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब अगर आप ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आप 22 साल की एज तक इस एग्जाम में अपियर कर सकते हैं. एमएससीईटी एग्जाम हर साल मई के महीने में होता है. 2018 के लिए अभी तक डेट्स डिस्क्लोज नहीं हुई हैं, तो जैसे ही डेट्स आती है मैं आपको शॉर्टली अपडेट करूंगा, बट ये एग्जाम मई में होता है ये क्लियर है. अब बात करें फॉर्म फी की, अगर तो इस एग्जाम की फॉर्म फी जो है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपए है, ओबीसी एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपए है. सो गाइस, एमएससीईटी के अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म और काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट लिखिए, अगर आपका कोई क्वेरी हो एमएससीईटी को लेके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.